दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में अपने घर पर पाकिस्तान की टीम बेहद ही शर्मनाक तरीके से पहला टेस्ट मुकाबला हार गई है और एक बार फिर से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जमकर जहां मजाक उड़ रहा है तो वहीं पाकिस्तान के दिग्गज बेहद गुस्से में नजर आए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में जो बात कही है, जो बड़े खुलासे किए हैं, सच में उसे सुनने के बाद आप भी दंग रहने वाले हैं। तो वसीम अकरम से लेकर शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी से लेकर इंजमामुल हक जैसे दिग्गजों ने क्या बोला है, आइए चलिए दिखाते हैं पाकिस्तानी दिग्गजों के बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम की जमकर बेइज्जती हो रही है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक पारी और 47 रनों से मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ हार गई है। पहले टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, अब्दुल्ला सफीक ने शतक लगाया, उसके बाद उनके कप्तान शान मसूद ने भी शतकीय पारी खेली और पाकिस्तान की टीम ने पहली पारी में 556 रन बनाए। ऐसा लगा कि पाकिस्तान की टीम बेहतरीन मुकाबला खेल रही है, लेकिन जो रूट के 222 रन, हैरी ब्रुक के 317 रन की बदौलत पाकिस्तान के खिलाफ पहली पारी में इंग्लैंड ने 823 रन बना डाले। 7 विकेट के नुकसान पर जब पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने 823 रन बनाए तो उन्होंने पारी डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद तीसरी पारी में पाकिस्तान की पूरी टीम मात्र 220 रनों पर ऑल आउट हो गई। दोनों ही पारियों में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम बुरी तरीके से फ्लॉप रहे, वो पहली पारी में 30 रन बनाए तो दूसरी पारी में मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में लाजवाब गेंदबाजी करते हुए जैक लीच ने 4 विकेट लिए, ब्रेंडन कर्स ने 2 विकेट लिए और इस तरीके से पहले टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तान की टीम बुरी तरीके से मुकाबला हार गई। एक पारी और 47 रन की इस हार के बाद पाकिस्तान का पूरी दुनिया में खूब मजाक बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के दिग्गज बेहद गुस्से में नजर आए हैं। आपको बता दें पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने कहा, आज तक इतना घटिया प्रदर्शन और इससे ज्यादा घटिया टीम मैंने नहीं देखा। ये हारते हारते इतने नीचे गिर गए हैं कि इन्हें अब हार का कोई गम नहीं रहा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से ऐसे खिलाड़ियों को अब टीम से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए पूरे नए खिलाड़ियों की एक नई टीम बनानी चाहिए। अगर मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सभी अधिकारियों को भी बदल दूं। पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी धांधली हो रही है कि जाहिर सी बात है ऐसा नतीजा तो सामने आएगा ही। दोस्तों वसीम अकरम के बाद शोएब अख्तर ने भी गुस्से में बयान दिया। शोएब अख्तर ने कहा, आज यदि जब भी पाकिस्तान की टीम क्रिकेट खेलती है तो मैं सोचता हूं कि अपनी आंखें बंद कर लूं, काने बंद कर लूं, क्योंकि जो नतीजे सामने आते हैं उसे देखकर सच में दिल दहल जाता है। आज मुझे दिल से इतना बुरा लग रहा है कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर मैं होता अधिकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं सबको बाहर कर देता और जिंदगी भर इन्हें खेलने का मौका नहीं देता, खास करके बाबर आजम को। ये बाबर आजम, इसकी तुलना विराट कोहली से की जाती है, वो उसके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। दोस्तों शोएब अख्तर के बाद इंजमामुल हक ने बड़ा बयान दिया। इंजमामुल हक ने कहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हम इतनी बेइज्जती कब तक सहेंगे। दूसरी टीमें आ रही हैं, हमें हमारे घर पर ऐसे पीट रही हैं जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई दोयम दर्जे की टीम है। कोई भी टीम आ रही है और इन्हें बुरी तरीके से हरा कर चला जा रहा है। पाकिस्तान के इन सभी खिलाड़ियों ने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। क्या टीम हुआ करती थी पाकिस्तान, लेकिन अब सिर्फ क्रिकेट में हमारा दुनिया में केवल मजाक ही बन रहा है। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोग कब तक हमारा इस तरीके से मजाक उड़वाते रहेंगे। दोस्तों इंजमामुल हक के बाद शाहिद आफरीदी ने बड़ा बयान दिया। शाहिद आफरीदी ने कहा, सच पूछो तो मैं तो मीडिया का सामना भी नहीं करना चाहता, मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल भी नहीं था, बावजूद इसके मुझे इतना बुरा लग रहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में हैं, उन्हें बुरा नहीं लग रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो इतनी बुरी तरीके से हारे हैं, क्योंकि इन्हें तो हारने की आदत हो गई है, इन्हें गालियां खाने की आदत हो गई है, इन्हें बेइज्जती सहने की आदत हो गई है। आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा काला दिन है, इससे बेकार समय पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कभी नहीं हो सकता। दोस्तों पाकिस्तानी दिग्गज पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर जमकर गुस्से में नजर आए। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद या फिर बाबर आजम या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।